तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी कि 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत, जिसको सिनेमाघरों से जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था वैसा तो नहीं मिला, लेकिन फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि फिल्म ने सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 7वां दिन चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, गणपत फिल्म अपने पहले 6 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 7वें दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कारनामा करने वाली है, फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा, फिल्म का बजट कितना था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन साहब को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें हम फिल्म गणपत की, तो ये एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ का एक्शन तो आप जानते ही हैं, ये नेक्स्ट लेवल होता है इनका एक्शन, और इसी वजह से फैंस इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म को पॉजिटिविटी मिली, टाइगर श्रॉफ के एक्शन को तो बहुत ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी में वो जान नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। हालांकि क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, ऑडियंस भी फिल्म की तारीफें कर रही थी, लेकिन बावजूद इसके दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में नहीं पहुंचे। और ऐसा नहीं था कि फिल्म के पास शोज नहीं थे और कोई फिल्म साथ में चल रही हो, हालांकि लियो चल रही थी, लेकिन हिंदी भाषा में लियो फिल्म को भी इतने बड़े लेवल पर रिलीज नहीं किया गया था। तो शोज तो काफी थे लेकिन सब खाली थे, यानी कि ऑक्यूपेंसी जो थी वो 0 थी, 2% 3% हमने देखा। दिल्ली मुंबई में फिल्म के पास 800 शोज है, मुंबई में तकरीबन 850 शोज है, इसके अलावा पुणे, पंजाब, हैदराबाद, सभी जगह पे हमने देखा अच्छे खासे शोज थे, लेकिन भीड़ फिल्म को देखने के लिए नहीं पहुंची। ऑक्यूपेंसी वही दिखा रहा था कि भैया 2% 3%, यानी कि शोज सारे खाली पड़े थे। अब इसी वजह से गणपत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो तूफान नहीं मचा पाई जिससे जितना कि इस फिल्म से उम्मीदें थी। आपको बताता चलूं मैं कि विकास बहल के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें हमें टाइगर श्रॉफ के साथ अमिताभ बच्चन, कृति सेनन और एली अब्राम अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म के अगर मैं बजट की बात करूं तो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का बजट था फिल्म का, लेकिन कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से इस फिल्म ने परफॉर्मेंस दिखाई वो निराशजनक है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि गणपत फिल्म जो कि 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट पे बनी थी, फिल्म की ओपनिंग थी सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्शन था पहले दिन का सिर्फ 4 करोड़ रुपए। 3 दिनों के वीकेंड पर सोचा था कि भले ही कम ओपनिंग ली है फिल्म ने, सैटरडे को अच्छा करेगी, संडे को अच्छा करेगी, लेकिन दोस्तों 3 दिनों का वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 करोड़ 25 लाख रुपए, सिर्फ 3 दिनों में 7 करोड़ 25 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट, वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ 11 करोड़ रुपए। 4थे दिन फिल्म की कमाई रही थी 1 करोड़ रुपए की, और वहीं फिल्म का जो 5वें दिन का ऑफिशियली कलेक्शन रहा था वो रहा था 1.5 करोड़ रुपए का। तो फिल्म की 5 दिनों की जो ऑफिशियल कमाई थी वो 9 करोड़ 80 लाख रुपए। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, कोई फिल्म 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनी है और टाइगर श्रॉफ की फिल्म है, 5वें दिन फिल्म सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए कर रही है और 5 दिनों की जो टोटल कमाई है वो 9 करोड़ 80 लाख रुपए इंडिया से नेट हुई, वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा 11 करोड़ 60 लाख रुपए का, ओवरसीज से फिल्म ने कमाए सिर्फ 3 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में 14 करोड़ 60 लाख रुपए। जहां दोस्तों सिर्फ 5 दिनों में 14 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई गणपत फिल्म की रही। 6वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। बात करूंगा 7वें दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज ही फिल्म सिर्फ 1 करोड़ रुपए की कमाई पूरे इंडिया से कर रही है। तो फिल्म की 7 दिनों की जो टोटल कमाई है वो 11 करोड़ 90 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रही है, वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर रही है। और दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि डिसास्टर, और डिसास्टर नहीं बल्कि बहुत बड़ी डिसास्टर हुई है, और मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ का करियर कहीं ना कहीं इस फिल्म के फ्लॉप होने से नीचे जरूर जाएगा। अब उम्मीद करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी इनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में इनका वक्त अच्छा है और ये अच्छी फिल्मों में काम करे ताकि ये आगे तक जाए। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी थी फिल्म गणपत कमेंट में जरूर बताइएगा।